चलिए दोस्तों आज बात करते हैं केडी पब्लिकेशन बुक के वोकैबुलरी सेक्शन से 391 टू 400 वर्ड, यानी ये 10 वर्ड हम लोग सीख के जाएंगे अभी, गारंटी है। फर्स्ट वर्ड आप लोग के सामने है इम्योर। इम्योर मतलब क्या होता है? बंदी बनाना। इम्योर मतलब क्या होता है? बंदी बनाना, है ना। इसको क्या बोलते हैं? इम्प्रिजन। इम्प्रिजन मतलब क्या हुआ? बंदी बनाना। इसको लिंक कर लेते ऐसे, आई एम श्योर, आई एम श्योर, आई एम श्योर, एक दिन जरूर मैं तुम्हें क्या करूंगा? इम्योर करूंगा। आई एम श्योर एक दिन तुम्हें मैं इम्योर करूंगा, बंदी बनाऊंगा। एक मूवी आप लोग देखे होंगे जानवर, यस जानवर मूवी में एक इंस्पेक्टर होता है, बहुत मस्त आदमी होता है, बहुत अच्छा है ना। इंस्पेक्टर जो है वो बादशाह से कहता है आई एम श्योर तुम्हें इम्योर करूंगा, मैं एक दिन श्योर तुम्हें इम्योर करूंगा, बस मेरे नसीब को मेरा साथ देना होगा। इसी बात से झल्ला के गुस्से में बादशाह बोलता है तुम सारी जिंदगी अपने किस्मत पे रोते रह जाओगे, क्योंकि बादशाह उद्धार का नसीब लेके पैदा नहीं हुआ है। बादशाह उद्धार का नसीब लेके पैदा नहीं हुआ है, जो तुम उसे बंदी बना लोगे। नेक्स्ट वर्ड क्या है? इम्यूटेबल। इम्यूटेबल मतलब होता है अपरिवर्तनीय। इम्यूटेबल मतलब अपरिवर्तनीय। क्या बोल रहा है? अनचेंजेबल, है ना, अनचेंजेबल, अपरिवर्तनीय, है ना। तो अब ये कहता है, जैसे सिंपली हम लोग क्या होता है, टेबल को उठा के यहाँ से वहाँ, यहाँ से इस टेबल पर से उस टेबल पर, इस टेबल पर से उस टेबल पर, कोई भी चीज़, कोई भी डिवाइस रखते रहते हैं। लेकिन एक वैसा टेबल होता है जिसमें वो डिवाइस जो होता है, बड़ा सा मशीन सेट ही आता है, तो हम लोग क्या कहते हैं? अरे ई ऊ टेबल नहीं है, ई ऊ टेबल नहीं है, है ना, जो तुम उसको परिवर्तित करते रहोगे। ये टेबल इम्यूटेबल है, या ये टेबल इम्यूटेबल है, ई ऊ वाला इधर उधर वाला टेबल नहीं है, ये टेबल इम्यूटेबल है। ये जो मशीन है, ये डिवाइस है, ये टेबल में ही सेट है, इसको हटा नहीं सकते, इसे परिवर्तित नहीं कर सकते, दूसरा टेबल में सेट नहीं कर सकते, इम्यूटेबल है। ओके जी, नेक्स्ट नेक्स्ट वर्ड क्या है? इम्पेयरमेंट। इम्पेयरमेंट होता है अक्षम्य। इम्पेयरमेंट मतलब अक्षम्य, अक्षम्य अपराध समझते हैं ना, हाँ, यहाँ पे हानि भी बोल सकते हैं, लॉस भी बोल सकते हैं। अक्षम्य अपराध, वैसा अपराध जिसे माफ करना संभव ना हो। यहाँ पे अगर बात करें, ध्यान दे, तो पेयर, पेयर मतलब होता है जोड़ा, पेयर, लोग पेयर बनाते हैं ना, पेयर बनता है ना लोग का, देख दूंगे शादी का जोड़ा, ओहो कितना सजा हुआ है ना। तो इम्पेयर, पेयर और इम जहाँ पे लग जाए दोनों निगेटिव वर्ड होता है, सिंपली इम मतलब निगेटिव। जैसे आप लोग परफेक्ट जानते हैं ना, यस, एक जैसे टेंस पढ़ते प्रेजेंट परफेक्ट मतलब काम फिनिश, और एक होता है प्रेजेंट इम्परफेक्ट मतलब काम फिनिश ना, काम चल ही रहा है, मतलब इम लगा हुआ निगेटिव होता है। ओके जी, याद रखिएगा। तो ये क्या है, पेयर को क्या कर दिया? इम्पेयरमेंट कर दिया, पेयर को बीच एक दूसरे से जुदा कर दिया। पेयर बनाने में कितना डीजे बता, कितना लाखों रुपया बर्बाद होता है जी, कितना, ले 500, ले 500, और उसको आप क्या कर दिए? इम्पेयरमेंट, नो, बर्दाश्त के बाहर का बात है। ओके जी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अक्षम्य। आप लोग एक मूवी देखे होंगे, नागिन मूवी, यस, वो नागिन मूवी में क्या हुआ था जी, उस जोड़े को, उस पेयर को, नागिन का जो पेयर था उसमें क्या कर दिया था? इम्पेयर कर दिया था। कैसे बदला ली? यस, तो इम्पेयरमेंट, अक्षम्य अपराध। नेक्स्ट क्या है? इम्पल्पेबल। इम्पल्पेबल मतलब जो आसानी से समझ में ना आए। इम्पल्पेबल मतलब जो आसानी से समझ में ना आए। इम्पल्पेबल मतलब जो आसानी से समझ में ना आए। बोल रहा है डिफिकल्ट टू फील और अंडरस्टैंड, है ना। पल पल में, इसको याद करते, पल पल में उसका प्रोग्राम बदलते रहता है, पल पल में उसका प्रोग्राम बदलते रहता है। तुरंत कहता है कि जो अब की बार सीजीएल क्वालिफाई करेंगे, तुरंत कहता है क्या जो हो सीएचएसएलओ हो जाते तो चलते, तुरंत कहता है यूपीएससी का तैयारी कर देंगे, तुरंत कहता है पप्पा वाला बिजनेस से संभल रहे पगला, है ना। तोरा समझना हमरा का है, इम्पल्पेबल है, तोरा समझना हमरा इम्पल्पेबल है। नेक्स्ट नेक्स्ट वर्ड क्या है आप लोग का? इम्पैस। इम्पैस मतलब अंधा मोड़। इम्पैस मतलब अंधा मोड़। इम्पैस मतलब अंधा मोड़, है ना। बोल रहा है अ डेड लॉक, अ डेड लॉक। यार एक लड़का था, एकदम हीरो था, जबरदस्त था, मस्त था लड़का, है ना। आया और कहता है क्या, बाइक से कहता है कि पता है हम एहो रोड पर 120 के स्पीड में चला लेंगे, हाँ पगला, ई रोड पर 120, है ना। कोई तब का इनो जाना था, गांव वाला रोड है रे पगला, गांव वाला रोड में ऐसे मोड़ आता है, एक के ऐसे मोड़,
आएगा आएगा एक बराई से मर जाएगा, 120 है ना। बोला कि हम चला लेंगे। ठीक है बेटा चला, ठीक है चलाओ। गया 120 में, ले डेड ब्लॉक, तो बच गया कैसे कैसे, एकदम डेड लॉक सिस्टम हो गया था उसका, बहुत दिन बेड रेस्ट पे रहा। तो गांव वाला रोड पे 120, हाँ 69 है तो 160 ले जाइए कोई बात नहीं, क्योंकि रोड ऐसा होता है। लेकिन गांव वाला रोड में 120, ये पगला नहीं ना, तो पगला के पागलपन भूलिए गया। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्या है, इंपेरियलिज्म। क्या है इंपेरियलिज्म? इंपेरियलिज्म मतलब साम्राज्यवाद, इंपेरियलिज्म मतलब साम्राज्यवाद। क्या बोल रहा है, सिस्टम इन विच अ कंट्री रूल्स अदर कंट्रीज, इसको कर लीजिए एम्पायर। एम्पायर मतलब साम्राज्य होता है ना यार, जहां पे एम्पायर होगा साम्राज्य होगा, सम्राट लोग होंगे, वही तो साम्राज्यवाद होगा जी। हाँ तो एम्पायर से हम लोग क्या कर लिए, इंपेरियलिज्म को लिंक कर लिए। इंपेरियलिज्म मतलब क्या, साम्राज्यवाद। इंपेरियलिज्म मतलब क्या, साम्राज्यवाद। ओके जी, आइए नेक्स्ट वर्ड आप लोग के सामने आ गया, इम्प्लीकेट। इम्प्लीकेट मतलब किसी अपराध में फंसाना। इम्प्लीकेट मतलब किसी अपराध में फंसाना। क्या बोल रहा है, टू सो डेड समवन, है ना, टू सो दैट समवन इज इन्वॉल्व इन अ क्राइम। ओके जी, अब क्या हुआ पता है, एक मेरा दोस्त था यार, बहुत बहुत मेहनती था, वो एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट पे रिसर्च कर रहा था। या वो कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट पे रिसर्च कर रहा था, लेकिन उसके बॉस को जलन होने लगा, यार इसका नेम हो जाएगा, फेम हो जाएगा, यार इसको क्या कर दो, ये कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट में जो रिसर्च कर रहा है इसको इम्प्लीकेट कर दो, इसको इम्प्लीकेट कर दो। काम था कॉम्प्लिकेट, कर दिया इम्प्लीकेट, फंसा दिया बेचारा को। क्या कर दिया, फंसा दिया। नेक्स्ट नेक्स्ट वर्ड क्या है, एम्पाउंड। एम्पाउंड मतलब जब्त कर लेना। एम्पाउंड मतलब क्या होता है, जब्त कर लेना। एम्पाउंड मतलब क्या होता है जी, जब्त कर लेना। याद कर दे इसको पाउंड से, पाउंड मतलब तालाब होता है। पाउंड मतलब क्या होता है, तालाब होता है। एक गांव में एक व्यक्ति था जिसके पास बहुत सारा अपना तालाब था, है ना। उसकी बेटी का शादी करना था उसको, अब बेटी का शादी करना था तो उसके पास तो पैसा था नहीं। वो अपने जो गांव में जमींदार थे, है ना, ठाकुर साहब थे, ठाकुर साहब से वो कर्ज लिया, जो यार ठाकुर जी बेटी का शादी करना हम लौटा देंगे, है ना। वो कर्ज ले लिया 10% ब्याज पे ले लिया बेचारा, है ना। बट वो लौटा नहीं पाया, तो ठाकुर जी आए कुछ दिन बाद, 2-4 साल 5 साल बाद, और उसके पाउंड को इम्पाउंड कर लिए। उसको पाउंड को क्या कर लिए, इम्पाउंड करे, जब्त करे ना, नहीं देगा पैसा तो पाउंड हमारा है, चल सिग्नेचर कर ना, डाल लो अंगूठा, है ना। तो पाउंड को क्या कर लिए, इम्पाउंड कर लिए। पाउंड को क्या कर लिए, इम्पाउंड कर लिए। ओके जी, नेक्स्ट नेक्स्ट वर्ड क्या है, इम्प्रोम्प्टू। इम्प्रोम्प्टू मतलब बिना तैयारी के। इम्प्रोम्प्टू मतलब बिना तैयारी के। इम्प्रोम्प्टू मतलब बिना तैयारी के। क्या बोले, डन या फिर सेड विदाउट प्रिपरेशन। विदाउट प्रिपरेशन, अरे पगला, ए जब तुम्हारा तैयारी नहीं था तो काहे गया, है ना। एगो पगला था लड़का, बिना तैयारी के स्टेज पर चढ़ गया, का हाँ प्रोग्राम में बिना तैयारी के चला गया, है ना। इम्प्रोम्प्टू, इम्प्रोम्प्टू, ई पगला, क्या कर देंगे, ई पगला, है ना, ई पगला बिना प्रिपरेशन के कहाँ चला गया, प्रोग्राम में चला गया। प्रोम्प्टू, प्रोम्प्टू मतलब प्रोग्राम, है ना। ई प्रोग्राम में इम्प्रोम्प्टू के चला गया, बिना तैयारी के प्रोग्राम में चला गया, बिना तैयारी के चला गया, है ना। और कुछ बोल दिया या कुछ कर दे, वो सारा का सारा जैसे के तैसे, तैयारी करके जाता तब ना बोलता तो मस्त सा होता, है ना। तो इम्प्रोम्प्टू, इम्प्रोम्प्टू मतलब बिना तैयारी के। ई प्रोग्राम में तू, इम्प्रोम्प्टू ई प्रोग्राम में तू पगला बिना तैयारी के काहे आया। इम्प्रोम्प्टू करिए, ई प्रोग्राम में तू, इम्प्रोम्प्टू ई प्रोग्राम में तू पगला बिना तैयारी के काहे आया, है ना। नेक्स्ट नेक्स्ट वर्ड क्या है, इम्पल्स। इम्पल्स मतलब कुछ करने का आवेग। इम्पल्स मतलब कुछ करने का आवेग। सडन अर्ज टू डू समथिंग, सडन अर्ज टू डू समथिंग। इम्पल्स मतलब कुछ करने का आवेग। इसको लिंक करते पिंपल्स, गाल में हो जाता है पिंपल्स, लड़का से ज्यादा लड़की सबको होता है पिंपल, हो गया ना। अब जब पिंपल हो जाता है तो टेंशन, इतना टेंशन, इतना टेंशन, कखनी ठीक हो, कब ठीक हो, कब ठीक, कैसे ठीक हो, कहाँ लगाए ये ठीक हो जाए, है ना। यहाँ पे कह रहा है इम्पल्स मतलब कुछ करने की इच्छा, हे भगवान, उस समय कुछ करे की इच्छा हो, उस समय तक इच्छा ये होता है कखनी ठीक हो, कैसे ठीक हो,
है ना। तो याद रखियो, जब होगा पिंपल्स तो आपका मन नहीं करेगा इंपल्स, जब हो जाता है पिंपल्स तो मन नहीं करता है इंपल्स करने का, कुछ करने का मन नहीं करता है ना। तो पिंपल्स के अपोजिट है इंपल्स, इंपल्स में कुछ करने का मन, मतलब कुछ भी कर देंगे अभी, लेकिन पिंपल में कुछ हो ना हो तो पापा हमारा से। उम्मीद है आज की वीडियो आज बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज़ यार अपना जितना दोस्त उन सारे दोस्तों में शेयर कीजिए। मैं आप लोग के लिए बहुत 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 ज़्यादा मेहनत करता हूँ, दिल से मेहनत करता हूँ। मेरा ये होता है जो भी टॉपिक आपको पढ़ाऊँ वो आपको ईजिली याद हो जाए होल लाइफ के लिए, है ना। आप लोग कभी भूले ना, एग्जाम अब की बार क्रैक कर ले, शाम में 7 बजे जरूर लाइव आइएगा। हम लोग क्या करते हैं, केडी पब्लिकेशन बुक का जो ग्रामर है ना वॉल्यूम 1 का, स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहे हैं, बिल्कुल एक भी कोई भी टॉपिक नहीं छोड़े, बहुत अच्छे से आसान भाषा में एक्सप्लेन करते हैं। तो जरूर आप लोग जुड़िए, मिलते हैं वहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।